audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको जो है थोर रैग्नारोक का लाइटनिंग इफेक्ट किस तरह से बनाएंगे वो भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे काइंड मास्टर पे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये छोटा सा एक डेमो वीडियो है, तो इस तरह से जो है आप भी अपना थोर रैग्नारोक का लाइटनिंग इफेक्ट जो है आप बना सकते हैं काइंड मास्टर में। दोस्तों, आपने मेरे लास्ट वीडियो जो थोर रैग्नारोक का लाइटनिंग इफेक्ट मैंने बनाया था, आपने अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके जो है उस वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने एडोबी आफ्टर इफेक्ट में बनाया था। और बहुत सारे मेरे भाई हैं जो जिनके पास एडोबी आफ्टर इफेक्ट नहीं है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो काइंड मास्टर में किस तरह से बनाया जाए तो उसका ट्यूटोरियल डालें, तो आज मैं वो वीडियो ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको दो लाइटनिंग फ्लेम जो ग्रीन स्क्रीन में है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ वो कौन सा है लाइटनिंग फ्लेम। तो ये जो है ये मैंने खुद बनाया है एडोबी आफ्टर इफेक्ट से आप लोगों के लिए। तो ये शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसका रिजोल्यूशन कुछ ज़्यादा है। तो ये कुछ जो है लाइटनिंग इफेक्ट है। तो इस तरह का जो है आपको दो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो इसको जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, ये पूरा ग्रीन स्क्रीन में है। तो आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम एक एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जो अपना ग्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये छोटा सा क्लिप है दोस्तों, इस तरह का मैंने रिकॉर्ड किया है अपने कैमरे से। तो अब इसमें जो है हम इसको पहले इसको हम डिलीट करते हैं और एक पहले कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो चलिए मैं एक जो है बैकग्राउंड ले लेता हूँ और इसका कलर जो है मैं यहाँ से ये रखता हूँ। ये इसलिए दोस्तों कि मेरा जो वीडियो है उसको मैं अच्छे से कन्वर्ट कर सकूं ब्लू स्क्रीन या किसी भी और स्क्रीन से। तो चलिए लेयर में अब जो है मैं अपना वो वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूं और अब जो है इसके बाद इस वीडियो को मैं क्रोमा की ऑप्शन से इसका बैकग्राउंड जो है उसको अच्छे से रिमूव कर लेता हूं। तो दोस्तों, ये मेरा एक प्रोसेस है। इससे क्या होता है कि जो बचा कुचा मेरा जो भी जो कुछ रह जाता है वो रिमूव हो जाता है। तो इसके बाद जो है क्रोपिंग के ऑप्शन में आके जो एक्स्ट्रा है उसको मैं चलिए साइज कर लेता हूँ। अब दोस्तों, इसको जो है मैं अपने स्क्रीन में फिट कर देता हूँ और साथ ही साथ जो है इसको सेंटर में भी रख लेता हूँ। तो अभी भी कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट बाकी है। तो चलिए, ये ट्यूटोरियल सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, आप जो ये सारा चीज़ आराम से कीजिएगा। और चलिए, उसके बाद दोस्तों इस वीडियो के लेंथ के हिसाब से ऊपर वाला जो कलर है उसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ और इसके बाद में इसको सबसे पहले जो है इसको हम चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर चलिए कोई नहीं, यहाँ से फिर मैं एम्प्टी लेयर में जाके अपना जो लाइटनिंग फ्लेम है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये अपना लाइटनिंग फ्लेम है, इसको हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद में क्रोमा की ऑप्शन में जाके इसको क्रोमा की कर देते हैं। तो यहाँ से जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं
अब दोस्तों इसको स्केल करके छोटा कर लीजिए, और उसके बाद में रोटेशन, आप इसको फ्लिप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ आपको रोटेशन एंड मिरर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ मैं चलिए फ्लिप कर लेता हूँ, और उसके बाद में इसको यहाँ शोल्डर पे इस तरह से मैंने यहाँ सेट कर दिया। अब दोस्तों इसको जो है एनिमेशन देने की बारी है, तो यहाँ की के ऑप्शन में प्रेस कर लेते हैं, और चलिए इसको जो है थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ ताकि एक एक फ्रेम में हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है यहाँ थोड़ा थोड़ा जो है हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद में अपना जो लाइटनिंग फ्लेम है इसको हम उसके पोजीशन में सेट करते जाते हैं, ताकि जैसा हमारा वीडियो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर आ रहा है तो ये फ्लेम भी उसके शोल्डर के साथ ऊपर में जाए। तो इस तरह से जो है हमको एनिमेशन दे देना है। तो दोस्तों अपना जो सारा एनिमेशन कंप्लीट करने के बाद में ये अपना पूरा एनिमेशन हो गया है लाइटिंग इफेक्ट का। अब दोस्तों इसको राइट क्लिक कर देता हूँ, ओके। दोस्तों अब जो है अगर मैं इसमें फिर से दूसरा लाइटिंग इफेक्ट डालना चाहूँगा तो मेरा जो काइनमास्टर है वो ज़्यादा वीडियो लेस सपोर्ट नहीं करता है, दो से ज़्यादा करता नहीं है। तो ये जो है अगर मैं इंपोर्ट करूंगा दूसरा लाइटनिंग, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह नोटिफिकेशन आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वीडियो को जो है मैं एक्सपोर्ट कर लूंगा। तो यहाँ से मैं शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से सेव गैलरी में मैं जो है इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा। तो फिलहाल जो है मैंने ये प्रोसेस पहले कर चुका हूँ, यानी कि ये वीडियो ऑलरेडी मेरे पास में है। तो चलिए फिर से दूसरा एमपी लेयर प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में जो मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ था, तो ये वीडियो है मैंने एक्सपोर्ट किया था, तो ये आप देख सकते हैं। तो आपका भी अगर वीडियो लेयर ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है दो से ज़्यादा, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद में फिर से मैं लेयर पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद में जो लाइटनिंग इफेक्ट है उसको मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से क्रोमा की ऑप्शन में क्लिक करके फिर से मैं जो है अपना क्रोमा की एडजस्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद में हेलो दोस्तों आप लोगों से मैं माफी चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो काइनमास्टर के साथ जो है वो सेट नहीं हो रहा है, बार बार जो है मेरा वीडियो कट हो जा रहा है। तो बेसिक आइडिया यही है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है पहले आप वीडियो अपना ब्लू स्क्रीन वीडियो में आप जो है पहले एक वीडियो फ्लेयर सेट कर लीजिए, उसके बाद में क्योंकि काइनमास्टर में बहुत से काइनमास्टर में जो है वो ज़्यादा वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करता है, तो मेरे में भी जो है दो से ज़्यादा वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करता है। मगर फिलहाल जब मैं मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके कर रहा हूँ तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो बंद हो जा रहा है ऑटोमेटिक। तो आपको एक बेसिक आइडिया यही मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है ये जो लाइटनिंग प्लेयर है तो इसको जो है आप अपने हिसाब से जहाँ जहाँ अपने बॉडी में सेट करना चाहते हैं सेट करके उसको एनिमेशन दे दीजिए, और ज़्यादा वीडियो लेयर आपका जिस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा होगा तो आपको जो है एक्सपोर्ट करके, जैसे पहले दो लेयर आपने ले लिया उसको सेट कर लिया एनिमेशन दे दिया, उसके बाद में एक्सपोर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद में फिर आप कर लीजिए, उसके बाद में जो है आप बैकग्राउंड इमेज जो है आप कोई सा भी बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में इस तरह का एक पहले जो है बैकग्राउंड इमेज लिया है, और उसके बाद में इस तरह से जो है बैकग्राउंड इमेज आप लगा के आप सेट कर सकते हैं। तो बिल्डिंग का जो बैकग्राउंड वीडियो है वो भी मैं आपको एक्सपोर्ट करके दे दूंगा, जो मैंने अपने ओरिजिनल वीडियो में
सेट किया था, तो आप जो है उसको भी यूज़ करके अपना वीडियो बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और ट्यूटोरियल जो है आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।